प्रदेश में लगातार किसानों के लिए काम करने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार ने काम में कोताही बरतने वाले अफसरों को अब सख्त चेतावनी दी है। प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर बेहद ही गंभीर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस काम में देरी करने पर 5 जिला कलेक्टरों को अल्टीमेटम दिया है। जिन कलेक्टरों को नोटिस दिया गया है उनमें जबलपुर, अनूपपुर, सतना, सागर और भिंड कलेक्टर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कर्ज माफी के लिए किसानों से जबरन दस्तावेज मंगवाने और उन्हें परेशान करने की शिकायतें सरकार को मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को कर्ज माफी की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से यह भी कहा कि वे समय सीमा में कर्ज माफी की प्रक्रिया को पूर्ण करें। प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी। कुछ जिला कलेक्टर कर्ज माफी के काम को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, ऐसे में उन कलेक्टरों को अपने कार्य में गति लाने के निर्देश दिए गए हैं। कर्ज माफी को लेकर के बेहद गंभीर है और हम कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही या कोई भी लापरवाही जो है हमारी सरकार जो है बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कुछ जिलों में जहाँ पर की हमारी विभाग की और आदरणीय सीएम साहब की मंशा के अनुसार जो प्रगति आनी चाहिए थी वो प्रगति कहीं ना कहीं पीछे हो रही थी, तो ऐसे जिलों में वहाँ पे कलेक्टर्स को और तमाम अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दे करके उनसे कहा गया है कि हमारी मंशा के अनुसार, आदरणीय सीएम साहब की मंशा के अनुसार जो है उसको प्रगति में जो है तेजी लाई जाए। कुल मिलाकर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार यह नहीं चाहती कि अफसरों के ढिलपोल रवैये के कारण लोग सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। इसके चलते ही कमलनाथ लगातार सभी जिलों की समीक्षा के साथ ही योजना के क्रियान्वयन पर भी खुद नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की फटकार के बाद जिला कलेक्टर इस काम में किस तरह से तेजी लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।